तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक एंटेना, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो ये एक एक्चुअल टूल है जो एनर्जी को मेजर करता है, एनर्जी को, एनर्जी जो कहां से आती है, तो एनर्जी विच एमिनेट्स फ्रॉम आर बॉडी ऑर्गन्स, यू नो, फ्रॉम द एनर्जी सिस्टम, द सेवन चक्रास, ऑल्सो एनर्जी दैट इज एमिनेटेड फ्रॉम ऑल द एनर्जी फील्ड्स विच सराउंड द फिजिकल बॉडी। यानी आज की तारीख में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देते हैं, मोबाइल टावर्स, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स, यू नो, ऑल द गैजेट्स दैट वी यूज, ये सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं। तो उन सबको इस इंस्ट्रूमेंट से आप चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा एनिमेट, इनएनिमेट, एवरीथिंग। ओके, तो ये एक्मोस लेकर एंटेना है, इसमें भी आप देखेंगे ऐसे ही दो पैरेलल लाइंस है यहाँ पे, इफ यू कैन सी, मैं एनोटेशन मेरा ऑन करके आपको बताता हूं, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पैरेलल लाइंस है। ओके, यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस है ये, और ये बीच में ये कर्सर जिसको हम मूव कर सकते हैं इस स्केल पे, ये जो स्केल है ये 20 सेंटीमीटर का स्केल है, इस स्केल पे हम इसको, यू नो, फ्रंट और बैक मूव करके अलग अलग वेवलेंथ पे रख के हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग, यानी कि सेवन चक्रास के या जो भी हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये जो टूल है ये मेजर करता है, इट मेजर्स एनर्जी फील्ड्स, यू नो, यू कैन इवेल्युएट द आउटकम ऑफ ट्रीटमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। तो इसके लिए वास्तव में हम इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इससे इजीली हमको ये मालूम पड़ता है कि अब समझो मैं यहाँ पे कुछ वास्तु किसी के घर पे करने गया, इफ आई एम गॉन एट अ प्लेस टू डू अ वास्तु शास्त्र और अ फेंग शुई थिंग, तो बिफोर, यू नो, आई डू विद एनी रेमेडियल पार्ट, यू नो, अलोंग विद अदर डायग्नोसिस एंड एनालिसिस दैट आई मे डू विद इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कंपास एंड ऑल अदर थिंग्स, आई कैन ऑल्सो इवेल्युएट, टेक एनर्जी रीडिंग्स विद दिस इंस्ट्रूमेंट, टेक डाउन, नोट डाउन, मे बी, यू नो, अप्लाई रेमेडीज देयर इटसेल्फ और लेटर, एंड यू मे सजेस्ट देम, एंड वंस दे अप्लाई अगेन यू कैन रीचेक, यू नो, रीचेक विद द इंस्ट्रूमेंट इमीडिएटली आफ्टर यू हैव डन द रेमेडी, व्हाट वुड बी द लाइकली चेंज इन द एनर्जी पैटर्न, विच ऑन अ फिजिकल लेवल उनको पता चलेगा कुछ समय के बाद, लेकिन आप वहीं पे इवेल्युएट तुरंत कर सकते हैं कोई भी रेमेडी करने के बाद कि क्या फर्क आएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड देयरफॉर इट इज वेरी यूजफुल टूल, वेरी यूजफुल टूल। और इसका मैं आपको सीक्रेट बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, यू नो, उन्होंने क्योंकि आपको पे किया है, बराबर है, ऐसे तो कोई फ्री में जाता नहीं, कोई बुलाता नहीं, तो उन्होंने आपको पे किया है, रिजल्ट तो आ गए, आपने उनको जो भी रेमेडी, व्हाट एवर रेमेडी यू हैव गिवन, उनको रिजल्ट तो मिल रहा है, बट दे ऑलवेज वांट कि नो, व्हाई कांट आई टेक मोर, अभी रिजल्ट तो आ रहे हैं, क्यों, व्हाई नॉट टेक मोर, तो आपको वो कॉल करेंगे, शायद ऐसा होता होगा बहुत वास्तु कंसल्टेंट्स, यू नो, ये एग्री करे तो आप यहाँ पे लिखना चैट बॉक्स में यस और नो, है ना, तो आपको कॉल करेंगे कुछ टाइम के बाद, यू नो, आप आके गए, करके गए, आपने आपको अच्छा फीस भी लिया, पर पता नहीं है ना, कहीं पे मुझे अभी भी कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअली आ रहा है, रिजल्ट मिल रहा है ना, पर आपसे भी कुछ और चाहिए, जितना फ्री में और मिल जाए, पेमेंट तो किया है ना, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा बता सकते हैं, यस देयर इज पीपल राइटिंग यस, बट इमीडिएटली एट दैट टाइम अगर आपके पास एक्मास लेकर एंटेना है, आपको मालूम है कि हाउ टू यूज दैट, इमीडिएटली यू नो यू कैन टेक ऑन द फ्लोर प्लान जो आपके पास ऑलरेडी है, उस पे आप स्कैन करके 100% एश्योर हो सकते हैं कि यस वाकई में फर्क आया है कि नहीं आया है, तो आपको वो ना ये बता सकता है कि नहीं शायद मुझे वाकई में उनको नहीं कुछ रेमेडी देनी चाहिए, इनको फर्क नहीं आया है, पर 80-90% ऑफ द टाइम इफ यू सी उनको वाकई में फर्क आया होता है, बट दे वॉन्ट मोर, राइट डाउन यस इफ इफ आई एम राइट, राइट डाउन यस, हीलिंग मोडालिटीज एंड वास्तु पीपल इफ समवेयर यू हैव फेस दिस, यस, सो मेनी पीपल आर राइटिंग यस 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 यस, ओके, सो इमीडिएटली इससे आप चेक करके उनको बोल सकते हैं, तो ये सीक्रेट लिख लीजिए, उनको क्या बोलना है अगर वाकई में रिजल्ट आए हैं, ओके, उनको ये बताइए सिंपल, यू नो, आप बोल रहे हैं रिजल्ट नहीं आए हैं, बट अकॉर्डिंग टू माई चेकिंग, मेरे चेकिंग से मैंने आपके फ्लोर प्लान पे और आपके फोटोग्राफ के अभी चेक किया आपके क्वेश्चन होने पे, और ये सब कुछ अच्छा बता रहा है, अब अगर मैं यहाँ पे कुछ चेक करूंगा, लिख लीजिए, अब यहाँ पे मैं आपको अगर कुछ और रेमेडी देता हूँ या कुछ भी चेंजेस कराता हूँ, और ओरिजिनल एनर्जीज जो अच्छे आपके यहाँ पे एनवायरमेंट में डेवलप हुए हैं, आपके ऑरा में डेवलप हुए हैं,
अगर वो कहीं चेंज हो जाए और रिजल्ट अगर चेंज हो जाए देन इट विल बी चार्जेबल कॉल. सो प्लीज टेक नोट एंड देन टेल मी कि क्या मुझे आपको रेमेडी नहीं चाहिए या देनी है क्या. ओके लिख लिया सब लोग ने. सिर्फ इतना बताइए, आधे से ज्यादा लोग आपको बताएंगे नो वी डोंट वांट एनी न्यू रेमेडी. मानेंगे इसको, इस बात को? लिखिए यस और नो, क्योंकि आपको इवेल्युएट करने पे ही तुरंत पता चल जाएगा कि वाकई में चेंज आया है कि नहीं आया है. नहीं आया है तो आप उनको जरूर से कुछ रेमेडी अच्छी और दीजिए. और हमारे पास तो ऑफकोर्स रेमेडी का भंडार होता है, लेकिन ना वो रेमेडी तंत्र से रिलेटेड होती है, ना वो रेमेडी मंत्र से रिलेटेड होती है, और ना वो रेमेडी जेमस्टोन से रिलेटेड होती है. इट इज टोटल लॉजिकल, इट इज प्योर लॉजिकल रेमेडीज दैट वी टीच, दैट वी प्रीच एंड दैट वी यूज. तो कितने लोग एग्री करेंगे मेरे को इस बात को कि विदाउट रेमेडी इफ यू हैव चेक यू कैन टेल योर क्लाइंट 100% कॉन्फिडेंटली आप बता सकते हैं कि ऑलरेडी रेमेडी हमारी काम कर रही है, अगर हम चेंज करेंगे तो फिर हमें मत बताना अगर वो काम करना बंद कर दे. कितने लोग एग्री करेंगे लिखिए आई एग्री. राइट डाउन इफ यू एग्री विथ मी. राइट डाउन लेट द चैट बॉक्स गेट फिल्ड अप टूडे. यस यस. So more than 50% of the people who are here, who are already into this field, agree with my point. So thank you for agreeing. Because you have faced, so you know the right. And आपको पता है क्योंकि आप face करते हैं. Okay? तो ECMOS लेकर एंटेना इसमें क्या है? इसके specialities क्या है? इसमें sliding scale है, जैसे हमने photograph में देखा, जिसके कारण आप इसको अलग-अलग range पे tune कर सकते हैं और अलग-अलग frequencies पे जाके अलग अलग चीजों को, अलग अलग एनर्जी सिस्टम्स को, बॉडी के हर ऑर्गन्स को, बॉडी के हर चक्रस को चेक कर सकते हैं. आपके घर में जो भी आइटम्स है उसको चेक कर सकते हैं. आपके मोबाइल को चेक कर सकते हैं. मोबाइल को बिफोर एनी करेक्शन दैट यू गिव यू कैन चेक, एंड आफ्टर गिविंग करेक्शन यू कैन चेक. और उसमें आपको फर्क आएगा कि आपने जो भी करेक्शन किया उससे वो फर्क आ रहा है कि नहीं उनके मोबाइल पे. क्योंकि वो रेडिएशन अगर करेक्ट हो गए तो वो जितनी देर भी बात करेंगे वो रेडिएशन नेगेटिव उनके ब्रेन में एंटर नहीं करेंगे, इसलिए हम वो सब करेक्शंस करते हैं. पर वो इनिशियली आप ये मोबाइल से, ये ECMOS लेकर एंटेना से चेक कर सकते हैं. तो इट्स नॉट ओनली दैट, बट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द एनर्जी क्वालिटी ऑफ ऑल द चक्रस, ऑल द ऑर्गन्स, द फूड दैट यू ईट. हमारे पास जो हमारी ज्वेलरीज है, हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, अगर हम कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं तो क्या वाकई में उसमें एनर्जी है? क्योंकि अगर एनर्जी नहीं है और आप अगर कोई फूड खाते हैं रेगुलर, तो वो कैसे काम करेगा आपको हील करने के लिए, आपको कुछ आपकी एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के लिए? आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? तो ये सबको आप चेक कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से. कितने लोग एग्री करेंगे कि एनर्जी जैसी कोई चीज है जिसको मैं बात कर रहा हूं? क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. तो नेगेटिव से हम पॉजिटिव कर सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव कर सकते हैं. हाउ मेनी विल एग्री? राइट डाउन यस आई एग्री. ओके यस यस यस. एनर्जी इज देयर एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज एनर्जी. हम लोग भी एट वेरी हाई वाइब्रेटरी लेवल वी आर ऑल्सो एनर्जी. फिजिकली दिख रहा है पर हम भी एटम है, मॉलिक्यूल है, वो एनर्जी है. और ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, तो हमको किसी को प्रूफ करने को जाना नहीं है. ओके ये जो ECMOS का लेकर एंटेना है ये रोबस्ट है, उसकी लेवल ऑफ एक्यूरेसी वेरी हाई है. इजीली हम इसको फोल्ड करके छोटे से पाउच में, छोटे से पॉकेट में लेके जा सकते हैं. ये स्पेशल डिवाइस है जिससे हम हमारा पर्सनल मेजरमेंट भी कर सकते हैं इजिली, वेरी इजिली. इसकी हाई क्वालिटी परमिट करती है हम ट्यून कर सके चैनल्स में, एनर्जी चैनल्स में, ह्यूमंस के, ऑब्जेक्ट्स के, या किसी भी स्पेस में. यानी हम अभी जैसे फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल से जो कोविड आने के कारण सब घर पे है, तो हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस करते हैं विदाउट विजिटिंग एनी प्लेस. ऑनलाइन कंसल्टेशन कैसे कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, अदरवाइज इट वॉज नॉट एट ऑल एनी वे के हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते थे. बट बिकॉज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट it was very easy to do exact consultations like if I would have physically gone there and done. Physically jaake main agar koi consultation kar sakta tha, same being here I could easily do that. Okay, why? Because energy samajh mein aa gaya. Jo main person hai uski humne photograph unko samne rakh ke unki energies check ki, to root cause pata chal gaya. Uske base pe unke floor plan ko check karke
हमने उनको जो भी रेमेडीज बतानी थी वो बताई, जिसको इंप्लीमेंट करके यू नो दे आर गेटिंग रिजल्ट्स. ओके,